Welcome students. In this video, we will do question 1 of exercise 7.2. Now, see the question. In an isosceles triangle ABC, this is your isosceles triangle ABC with AB equal AC. AB is equals to AC. The bisectors of angle B and C intersect each other at एंगल बी का बाई और एंगल सी का बाई सेक्टर पॉइंट ओ पर मिलते हैं ज्वाइन ए टू ओ ए को फिर ओ से ज्वाइन किया गया शो दैट ओ बी इक्वल ओ सी हमें यहाँ पर इस ओ बी और ओ सी को इक्वल शो करना है एंड इन सेकेंड पार्ट एओ बाई एंगल ए एओ bisect angle A. It means we have to prove that angle 3 is equals to angle 4. Bisect means the angle divides it into two parts. When angle divided into equal two parts, then we say angle bisect. So here in process to solve this question, first step is given.

नाइन्थ दिस क्वेश्चन देर इज अ कंस्ट्रक्शन हियर वी कंस्ट्रक्ट ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी हमने इस पार्ट में कंस्ट्रक्शन में ओ डी बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डी तो इन कंस्ट्रक्शन वी मेंशन ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन B C. Here it is given that in an isosceles triangle ABC, AB is equals to A C. We have already read a theorem. If in an isosceles triangle two sides are equal, then angles opposite to equal sides are also equal. Theorem said if two साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके जो अपोजिट में एंगल होंगे इसके अपोजिट का जो एंगल होगा ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे तो यहां पे हम इस थ्योरम को यूज करते हैं सिंस इन ट्रा एबीसी, इट इज गिवेन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम हियर वी हैव साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी इज एंग सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू द साइड ए सी ए सी के अपोजिट में एंगल बी है डेट इज इक्वल टू एंगल बी यहाँ पे हम उस थेवरम को मैंशन करेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो इस थ्योरम से हमें इस ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मिला अब हम अगर दोनों तरफ हाफ कर दें हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी हमने दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया तो जो भी रिजल्टिंग होगा वो सेम होगा तो हाफ क्यों किया क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बीओ इज द एंगल वाई सेक्टर इट मींस वो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसलिए हमने हाफ किया तो जब हाफ किया तो इट मीन्स अगर हमने यहां से एंगल टू ले लिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सॉरी हाफ ऑफ C means angle 1 and half of B is equals to angle 2. We mention here angle 1 is equals to angle 2. We name it as first. Now we have to prove here OB is equals to OC. OB and OC are the sides related to the triangle B, O, B and C. डी ये जो दो ट्राइंगल हैं इसकी साइड्स हैं तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुवेंट प्रूफ कर लें तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाइसिपिसिटी मिल जाएगा तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुवेंट प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी फर्स्ट एंगल 1 is equals to angle 2. We already proved in first from first. This is your first equation. And this angle, if we say it as 5 and this right angle as 6, then angle 5 is equals to angle 6. बाई कंस्ट्रक्शन ईच नाइंटी डिग्री एंड ओडी इज कॉमन बिट्वीन दीज टू ट्राइंगल थर्ड वन इज ओडी इक्वल ओडी दिस इज कॉमन so here in between the, these two triangles we have three things that is a this is angle this is also angle a and this is side so by a a s a a s these two triangles are congruent by s a congruence rule. These two triangles congruent. But, angle triangle B O D is congruent to triangle. First B in triangle B O D. B vertex of angle two. Two is equals to angle. वन वटेक्स ऑफ एंगल वन इज सी इट मीन्स इन प्लेस ऑफ बी वी राइट हियर सी एंड इन प्लेस ऑफ डी इफ वी टेक फाइव इन दिस ट्रैंगल देन इज इक्वल टू सिक्स वटेक्स ऑफ सिक्स इज ऑल्सो डी इन प्लेस ऑफ डी वी राइट डी थर्ड वटेक्स इज ओ सो वी गेट ट्राएंगल बी ओ डी इज कॉन्ग्रुव टू ट्रैंगल सी ओ डी फ्रॉम यर ओ बी इज ईक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी दिस इम्प्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई सीपीसी वी प्रूवड इर फर्स्ट पार्ट वी मेंशन आवर फर्स्ट पार्ट नाउ ऑफ सेकंड पार्ट हियर वी हैव टू प्रो एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर एओ बाइसे्ट एंगल ए मीन्स एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर एओ एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हमें एंगल थ्री और फोर को इक्वल शो करना है तो अगर हम थ्री और फोर इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हैं इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुवेंट प्रूफ कर दें तो बाई सीपी हम एंगल थ्री और फोर को इक्वल दिखा सकते हैं तो अभी हम यहाँ ट्राइंगल ए बी और ए सी को कांग्रुवेंट प्रूफ करेंगे सो स्टार्ट सेकेंड पार्ट इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल ए सी हियर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवेन इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन दट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस इज गिवेन इन क्वेश्चन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी हमने इसको फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया फ्रॉम फर्स्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी And OA is common. OA is equals to OA. Common. So from here we see that AB is equals to AC. This is side. OB is equals to OC. This is also side. OA is equals to OA. This is also side of triangle. So from here we see by triple S rule these two triangles are congruent. बाई एस 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 कॉन्ग्रुवेंस रूल दीज टू ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुवेंस रूल ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल ए सी यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल को कांग्रुवेंट प्रूफ कर लिया

AO bisects angle A. So this is the whole solution of the question. We will meet in next video. Okay, thank you.